भाई लोग खुशी 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 पूछो क्यों, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया है इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है, मात्र 1 किलोमीटर। मेरी बात सुनो, ऐसा ना पीछे से कोई कितनी स्पीड मार रहा हो, मानते हैं आंटी जी साथ है, अगर ठुक जाते फिर क्या करते हैं नमूने जो रोड पे दिक्कत पैदा करवाते हैं। देखियो तो क्या हाल है भाई लोग, तो आई होप सब बढ़िया होंगे, पहले तो जय श्री राम आप सभी को। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, अब हम निकलने वाले हैं नेपाल के लिए, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है भाई अभी 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, 8:30 टाइम हो रहा है, हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए। हम वृंदावन घूम के आ गए थे, 2 दिन से हमने रेस्ट किया था, ठीक है, अपने गैजेट्स वगैरह हमने चार्ज वगैरह कर लिए थे। बाकी आज मौसम कुछ इस तरह है, बादल बने हुए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, और टी वगैरह चढ़ रहा है अपना। बाकी ये भाई लोग हैं, मौसम दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करो भाई, आज सुबह बारिश बनी हुई थी आज सुबह से, बट मन था कि जाऊँ ना जाऊँ, जब मौसम सही होता मैंने कहा यार जब चलते हैं, 2 दिन तो वैसे ही हो गए, ठीक है। तो भाई हमने ना एक जगह से ली थी हींग घर के लिए, प्योर हींग है, एक जगह पड़ती है हाथरस यूपी में, तो वहाँ पे हींग का ही कारोबार होता है, तो हमने काफ़ी ली थी हींग घरों के लिए, मामा वगैरह सबके लिए। तो अब ये घर पहुँचवा रहे हैं, बाकी हम निकलेंगे आज तैयार हो के, बैग वगैरह सब रेडी है, और ये शूज़ वगैरह, मौसम भी ठीक है, अब हम चलते हैं। नाश्ता वगैरह हमने खरीद लिया है ना, हींग काफ़ी अच्छी है, अगर कभी यूपी में जाना हाथरस जगह, तो वहाँ पे सीन क्या पड़ता है, अगर आप वृंदावन जाओगे रास्ते में आते हुए या जाते हुए यूपी से, आपको बीच में हाथरस पड़ेगा, वहाँ पे हींग का कारोबार होता है बहुत तगड़ा, दुनिया भर की हींग है वहाँ पे, वो आपके हाथ में है कि आप किस लेवल की हींग लोगे। तो हमारा तो ठीक है, ये 4,000 रुपये किलो के हिसाब से है, तो हमने तो 50-50 ग्राम लेती, ज़्यादा नहीं हींग, क्योंकि बहुत कम डलती है। तो ठीक है, आप चलते हैं, रेडी वगैरह होता है, बैग वगैरह रेडी करते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई अब फाइनली हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए, ठीक है, बाकी ऐसा है कि पूरा सेटअप अपना रेडी है, बाइक अपना सामान अभी लगाएंगे, बस यही रोप से करना मतलब कसना बाकी है, बाइक को हमने गर्म कर लिया, ठीक है, बाइक की हालत थोड़ी गंदी है, बाकी अपना हेलमेट वगैरह सब रेडी है, अपना गोप्रो हेलमेट सब, ठीक है। चलो भाई बांध दो, कैसे बांधना है, ठीक है ना, एक काम करते हैं बांध लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो भाई लोग फाइनली अपन निकल चुके हैं नेपाल के लिए, ठीक है, अभी हम बरेली में हैं, बरेली से अभी हम निकल ही रहे हैं, तो पंगा क्या है कि अभी पेट्रोल फुल करा लेते हैं टैंक, देखते हैं कहाँ तक चलता है। एक रास्ते में सिद्धार्थ नगर पड़ता है, ठीक है, हमारा मोटिव आज वहीं रुके, हम 200-250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के लपेटे में, तो कोशिश पूरी करेंगे कि वहीं तक पहुँचे, क्योंकि आप देख ही रहे हो मौसम भी थोड़ा बारिश जैसा है ना, बारिश ना हो बेशक, मतलब मौसम बेशक बारिश वाला रहे, बारिश ना हो फिर टाइम तक मतलब पहुँच जाएंगे टाइम तक, आप जानते हो बारिश में काफ़ी चीज़ों को कवर करना पड़ता है, बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। और मैं आया भी ऐसे टाइम पे कि बारिश आ गई, बट ऐसा ना यार प्लान बहुत टाइम से बना रखा था, ठीक है, अब मैं उस चीज़ को स्किप नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार चीज़ स्किप हो जाती है ना, मतलब एक बार छूट जाती है ना, फिर यार वो टली जाती है कि अब नहीं, बाद में नहीं, फिर कभी। तो भाई अब ऐसा है, बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, हमारा एक ही मोटिव है, जाना है तो जाना है, ऊपर वाला साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर का ज़रूरी नहीं है, पावर ही डलाओ, उसमें इंडियन ऑयल है, XPV 95 है, बिल्कुल सही है, बाकी अपना पेट्रोल डला लेते हैं भाई यहाँ सर। तो भाई फाइनली पेट्रोल तो डला लिया, अब देखो पता है क्या, आज ना ट्रैफिक बहुत है। लो भाई अपना आ गया पहला टोल गेट, हमारा तो नहीं कटेगा बट ये पहला टोल गेट है बरेली से, अब पढ़ाई है फरीदपुर साइड है, जगह पड़ती है फरीदपुर, तो वहाँ टोल गेट पड़ा है भाई, चलते हैं, अभी तो बहुत सफ़र तय करना है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या यार, सुबह मैंने नाश्ता यार पेट भर के कर लिया, पता नहीं क्या नींद सी आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है साला। भाई पंगा पता है क्या हो रहा है, आज ना मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा पेट भर के कर लिया था, पास्ता वगैरह सब, तो सीन क्या हुआ मुझे ना यार, अब नींद सी आ रही है बाइक चलाते हुए, सीरियस बताऊँ तो, ठीक है, अब एक काम करेंगे ढाबे पर रुकेंगे और वहाँ से पानी वानी लेंगे पियेंगे,
और फिर थोड़ा मुंह को भी ना थोड़ा पानी से थोड़ा झकोलना पड़ेगा, आंखों पे डालना पड़ेगा ताकि नींद ना आए। पता नहीं क्या हुआ अचानक से नींद से आने लगी, या तो सीधे रास्ते की वजह से या ये पेट होने भरने की वजह से, पर नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। भाई सुन, जब लेना रोड पे तो देख के तो लिया कर, नहीं नहीं तुरंत की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा ना पीछे से कोई कितनी स्पीड मार रहा हो, मानते नहीं आंटी जी साथ है, अगर ठुक जाते फिर क्या करते यार आप, थोड़ा रोक लिया करो वहाँ, क्योंकि हाईवे है। ठीक है भाई, वो बंदा ला रहा था अभी ठुकने से बच गया यार, हद होती है। अभी ऐसा हो ना, मैं यहाँ पे ना अक्सर ऐसा होता है कि यार मतलब चल ठीक है, अगर आप गांव कस्बों में जा रहे हो तो समझ में आता है कि कोई भी निकल के जाएगा, अरे यार हाईवे चढ़ रहा है देख लो सामने से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। ठीक है बंदा एकदम से स्कूटी बाइक लेके आया अपनी और एकदम से इन्हें रोड पे ले ली। सोचो अगर मैं थोड़ी और स्पीड में होता तो ब्रेक ही ना लगते ढंग से, हद होती है यार। इंसान यही देखता कि हमारे साथ बैठा कौन है, बुजुर्ग है क्या है, बस उसे चलाने से मतलब है, एकदम से ले लिया, अरे देख तो कौन है कौन नहीं है यार। तो भाई लोग ये चेक करो, अब ये दूसरा टोल आ चुका है। ठीक है ये टोल है कहाँ का पता नहीं लग रहा, नाम नहीं पता लग पा रहा है, एक मिनट टोल है यार ये है भाई, जगह का नाम क्या है देखिए, मेगलगंज है, मेगलगंज खीरी है। हाँ भाई ये मेगलगंज खीरी पड़ता है, तो मेगलगंज खीरी आ चुके हैं, यानी कि हमने अभी पूरे 150 किलोमीटर होने वाले हैं। ठीक है बरेली से, और अभी चलेंगे यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे 5-10 मिनट का, फिर चलेंगे। ठीक है आगे मिलते हैं। भाई लोग अपने ना 150 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। ठीक है अपना एक ढाबा देखते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट का। सही बताऊँ तो हल्की हल्की ना बारिश सी आने लगी है, मौसम तो साफ है पर हल्की हल्की बूंदें गिरी है बहुत तेज़ी से यार। कोई नहीं रोकते हैं, कहीं पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 10-1 मिनट का, फिर बढ़ेंगे आगे। एक तो ना उस टाइम रास्ते में इतने ढाबे थे, अब रेस्ट करने के बारे तो ढाबे नहीं दिख रहे यार, ये कहीं होगा। भाई आ गया रेलवे फाटक, यहाँ से गुजरेगी ट्रेन, अब दिखाते हैं आपको ट्रेन का जलवा। ऐसा ना क्रॉसिंग है ना इसलिए आराम से आ रही है। खुल गए भाई खुल गए, देख देख ट्रेन गई, अब खुली है क्रॉसिंग भाई, करीबन 10-15 मिनट बाद खुली है। कोई नहीं देख लो क्रॉसिंग कैसे खुलती है भाई, ऐसा ना बहुत से लोग आते ही नहीं है, उनको ये नहीं पता क्रॉसिंग का क्या सिस्टम है क्या नहीं। देख लो आप कितने यहाँ, देखो कितना लंबा छोड़ा जाम लग गया था पीछे, क्योंकि ऐसा ना ऊपर जो पुल है ना इसकी मरम्मत हो रही है तो सारी गाड़ी नीचे से लिख रही, चक्कर में जाम सा लग गया। हाय गर्मी, भाई लोग सही बताओ तो हाईवे बिल्कुल एक नंबर है। ठीक है इस जगह का नाम है काशीराम कॉलोनी, और अभी हम करीबन 200 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से। ठीक है 9:30-10 बजे से हम चले थे, एक बज गया, 200 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया एक डेढ़ तक ना। बाकी हाईवे कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल सीधा हाईवे है देख लो आप लोग, मौसम भी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी लगभग यहाँ से करीबन 450-500 किलोमीटर है, आज तो कंप्लीट नहीं होगा, कल कंप्लीट कर लेंगे, आधा कम से कम 100 या 200 किलोमीटर आज खींच देंगे और शाम तक, अभी बहुत टाइम है। ठीक है भूख लग रही तो अभी हम थोड़ा गन्ने का जूस वगैरह पी रहे हैं, ये देखो ये जगह है। ठीक है ज़्यादा हैवी खा नहीं सकते क्योंकि नींद आ जाएगी, क्योंकि सुबह जब ज़्यादा हैवी खाते नींद आ जाएगी, भाई गन्ने आ जूस पीते हैं फिर देखते हैं। ठीक है
तो भाई ऐसा है, अभी हमने अपना गन्ने का जूस मतलब पी लिया आराम से, ठीक है, थोड़ा रेस्ट किया 10 मिनट, और वहाँ से निकल चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से, अभी सुई अभी बढ़ाता हूँ मैं, रुको एक मिनट। अभी हम 180 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है, 80 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी रोकेंगे, और अगर हमें लगा कि हमारे पास टाइम है अभी और आगे चलने का तो हम और आगे चलेंगे, ठीक है। तो 300 किलोमीटर तो कर ही लेते हैं आज के दिन यार। वैसे भी देखो आप यकीन नहीं करो, 2.5 घंटे में हमने 180 किलोमीटर पार कर दिया भाई, ठीक है, 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर। आप यकीन नहीं करो भाई, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि बाइक 110-120 से नीचे हुई ही नहीं, हालांकि बुलेट 120 से ऊपर जाती नहीं है, ठीक है, बट बुलेट 110 से तो नीचे 100-110 से नीचे हुई ही नहीं यार भाई, लोग मानो ना मानो आप। तो भाई कहूँगा ये था कि ना कहीं बारिश आ रही है कहीं नहीं आ रही, देखो मैंने गोप्रो के ऊपर भी लगाया था, नमी आ गई इसमें ना, तो सीन क्या, बारिश आए कुछ भी हो हमने पॉलिथीन लगा दिया, हम चलते जाएंगे, ठीक है, हमारा टाइम बचा, और रेनकोट निकाल लिया, कहीं बारिश आएगी तो पहन लेंगे ऐसे। भाई लोग आप चढ़ चुके हैं हम कच्चे रास्ते पे, आप यकीन नहीं मानोगे, देखो भाई कैसे देख रहा हूँ, भाई का रिएक्शन UB32। अब सीन क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी तक तो हम हाईवे पे थे इसलिए हमने 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर दिए, 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे के अंदर, वरना तो लगा लो 200 किलोमीटर पार करने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, हमने 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में सॉरी, हमने 180 किलोमीटर पार कर दिए, क्यों, क्योंकि हाईवे इतना प्यारा था कि पूछो ना। अब आप चीज़ को मानो या ना मानो, ठीक है, अब सीन क्या है, सीन ऐसा है कि अब हम चढ़ चुके हैं थोड़े कंजस्टेड रोड पे, ठीक है, भले है पक्का पर ये थोड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, हाईवे से हम उतर चुके हैं, ठीक है, यहाँ हमें टाइम लगेगा, यहाँ तो 100 किलोमीटर करने में ही हमें 1.5 से 2.5 घंटे लग जाएंगे 100 किलोमीटर करने में, मात्र 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए भाई 100 किलोमीटर करने में, क्योंकि हाईवे पे सीन क्या था भयंकर, 110-120 से गाड़ी कम तो हुई नहीं, तो हम पहुंच गए टाइम पे। अब ये देखो आप, अब यहाँ बूंदें गिरनी स्टार्ट है, कभी सारी बूंदें गिर रही हैं, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ, चलो कोई नहीं वो देखेंगे। बाकी ऐसा अपने कच्चा रोड एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है कंजस्टेड वाला, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ तो हम स्पीड में इतना चला नहीं पाएंगे, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसी करनी पड़ेगी तो हमें टाइम लग जाएगा अब पहुँचने में, मेरे को लग रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि चलते हैं, बस ये है कि ऊपर वाले का साथ हो, आप लोगों का सपोर्ट हो, और लाइफ से कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, आगे मिलता है। हाँ है, मतलब जंगल वाला रास्ता है, है जंगल वाला नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, तो जंगल वाला कहाँ से पड़ता है फिर? अच्छा तो यहाँ से नहीं है, मतलब आपके हिसाब से सही है रास्ता है ना? अच्छा इधर आओ यार, ये आप कहाँ, कौन से रास्ते गए थे आप? अच्छा आप लखीमपुर गए थे, तो वहाँ से मतलब जंगल वाले रास्ते वहाँ से पड़ेंगे, लखीमपुर से इस रास्ते से नहीं है, हाँ। अच्छा अच्छा अभी यहाँ से हम आज तो पहुँचेंगे नहीं, कल ही पहुँच पाएंगे, कहाँ से कितना पड़ता, 500 किलोमीटर बच जाता है दादा यार, ढिलन साहब से यार दोस्त, हाँ अपन यहाँ से नेपाली जाएंगे और कहाँ जाएंगे यार, है ना। क्या भाई कहाँ से,
नाराज होते हुए। चलो सही है यार। हेलो, हाँ जी भाई जी, क्या हाल है आपके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सीधे आप यहाँ से बिस्वा जाइए। अच्छा, बिस्वा से सीधे रेवका होते हुए बहराइच। हाँ बहराइच, हाँ वहीं से दिख रहा है। बहराइच से सीधा रास्ता चला गया है, आपको नेपाल बॉर्डर पहुँचा देगा। ठीक ठीक, वहाँ से सीधे एंट्री करा लेना सीधे पोखरा। हाँ हाँ सही सही सही, धन्यवाद भाई जी। ठीक 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 है यार, थैंक यू सो मच यार दोस्त। आपका नाम? मोहम्मद। अच्छा मिला यार, अच्छा लगा यार मिल के यार दोस्त। ठीक है, आज शाम तक देखते हैं अगर पहुंच जाए तो। पहुंच जाएंगे ना। चलो ठीक है, धन्यवाद यार दोस्त। तो भाई अभी एक भाई ने रोक लिया, जैसे कि आपने देखा, पूछ रहा था भैया कहाँ जा रहे हो, कैसे गए। तो मैंने बताया भाई को, तो उन्होंने कहा, फिर मैं अपने भाई से बात कराता हूँ, उनके भाई भी टूर करते रहते हैं ना, तो उन्होंने जो बहराइच वाला रास्ता बताया, यही वाला रास्ता बताया जहाँ से हम जा रहे हैं। अच्छा, इस रास्ते में जंगल वाला रास्ता कुछ ज़्यादा है नहीं, भाई बता रहा था मेरे को कि 100 या 150 किलोमीटर बाद नेपाल का बॉर्डर आ जाएगा, आप नेपाल में एंटर कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जंगल वाला रास्ता है ही नहीं, वो आपका पड़ेगा लखीमपुर खीरी से, जब लखीमपुर से जाते हैं वहाँ से पड़ता है जंगल वाला रास्ता, यहाँ से नहीं है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो ऐसा ना, जब आप बाहर राइड पे निकलते हो तो भाई एक एक मिनट की तक की वैल्यू होती है, क्योंकि पूरा डिसाइड करके निकला जाता है कौन कब कहाँ कैसे कब पहुँचेंगे, टाइमिंग के हिसाब से चलती है बात सारी। तो बहराइच यहाँ से है अभी 60 किलोमीटर, कहते हैं बहराइच के आगे से ना, बहराइच के आगे से ही नेपाल का बॉर्डर लग जाएगा। भाई आपको हंसी की चीज़ दिखाता हूँ मैं, भाई लोग आपको ना गाड़ी के पीछे देखना कैसे लटक रखे हैं लोग, देख रहे हो, ये होते हैं कुछ नमूने जो रोड पे दिक्कत पैदा करवाते हैं। देखिए उसको, दरवाज़ा खोल रखा है गाड़ी का, ये देखो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रखा है, और ऐसे नमूने के वजह से ही भाई साहब रोड पे हादसे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, अरे जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में आ जाओ, नहीं बाबूजी ने दरवाज़ा खोल रखा, पीछे लटक रखे हैं गाड़ी में। तो मेरे भाई आप तो ज़िंदगी में मौज मस्ती के चक्कर में ऐसा करना मत, ठीक है। तो भाई ज़्यादा मुझे लगता है नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि देखो ये नेपालियों का आई थिंक स्कूल है, बिल्डिंग जो भी है, ठीक है। ये मंदिर देखो उनका, टेम्पल बुद्धिज़्म का, देख रहे हो आपने, जितने टिबेटन लोग वगैरह उनका मंदिर है, स्तूपा जिसे बोलते हैं, स्तूपा हो गया, जहाँ लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो लगभग अपन बॉर्डर पे ही अब नेपाल के। चीन पता क्या था, देखो ऐसा है, सुबह हमने पेट्रोल भराया था, ठीक है, उसमें चली गई पूरी 400 किलोमीटर गाड़ी, और अभी भी ऐसी होगा 30-40 या 50 किलोमीटर हुआ अभी, और ये देखो 370 और 20-30 अभी और चल जाएगी, पूरी 400 किलोमीटर चल जाएगी। इसमें अभी मेरे हिसाब से भी 50 या 60 किलोमीटर का भी होगा पेट्रोल, बट ऐसा ये यहाँ पे जियो का है ना बोर्डर, इसके अलावा कोई है नहीं जियो का, तो जियो अच्छा देता है पेट्रोल, तो मैं यहीं से डालता हूँ, क्योंकि टंकी काफ़ी खाली हो गई है, बाकी देख लेते हैं यहाँ से ना। अरे कोई नहीं, डालो, जियो पे तो भरोसा है यार। हाँ नेपाल का बॉर्डर कितनी दूर होगा दोस्त यहाँ से? 39। फिर एंटर हो जाएंगे वहाँ से एंटर? चलो कोई नहीं, अब तो पहुँच ही जाएंगे, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में। लाओ लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, इसके सजेस्ट में आ गया भाई, ठीक है। रील्स वगैरह आती रहती है, चलते, मतलब ऐसा ना, मैं ज़्यादा एक्टिव था नहीं पहले, अब मैं धीरे धीरे एक्टिव हो रहा हूँ, अब जब घूम रहे तो डाल देते हैं, क्या मतलब पंगा है इसमें, है ना। ठीक है यार, मिलते हैं दोस्त, ठीक है, शेयर भी करना यार, ठीक है, आपस दोस्त वगैरह में ना। थैंक यू सो मच यार ब्रदर, ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं आपसे, अच्छा लगा मिल गया, ठीक है।
हाँ ठीक ठीक धन्यवाद, ठीक है दोस्त, बाय। तो भाई फाइनली देखो मैं बताता हूँ अभी सीन क्या हुआ था। सुबह हमने ठीक 9:30 से 10 के बीच में पेट्रोल डलाया था 1100 रुपये का, ठीक है, और सुबह से हम चल ही रहे हैं। तो अभी गाड़ी में तेल आया ना अब 1110 रुपये का, तो यानी 11, 12, 13 250 रुपये का तेल और था गाड़ी में। देखा जाए तो गाड़ी 30, 50, 70, 70-80 किलोमीटर और चलती गाड़ी, ठीक है। बट यहाँ से डलाने का मोटिव पता क्या था, क्योंकि जियो का सिर्फ यहीं पर था पेट्रोल पंप, और जियो आप जानते हो अच्छा डालता है, तो भाई इसलिए मैंने आगे से डलाया नहीं, डलाना वैसे भी था और वैसे भी था तो वहीं से डला लो। दूसरी बात ये भाई लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा मिल गया यार, बहुत। वैसे मैंने एक बात देखी, यहाँ के लोग तो ड्राइव तो मतलब बहुत वैसे ही करते हैं, बट यार यहाँ के लोग बहुत भोले टाइप के हैं, मैं सीरियसली बताऊँ तो। बाकी यहाँ से भी बता रहा भाई 40 भाई यहाँ रुक गए रास्ते में, पता नहीं कौन सी जगह है, भूख लग रही है, टिक्की खाने के लिए रुके, टिक्की और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा लेंगे, है ना भाई। यहाँ खड़ी करी, पन्नी ऐसे पैक कर रखी है, ये जगह है भाई की, और ये काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भाई। बैठ भाई, हमने मंगाई टिक्की और थम्स अप। टिक्की खाओ और मौज लो, खाने के बाद मिलते हैं। बाकी यहाँ से देखो खाने के बाद मिलते हैं भाई लोग। खुशी पूछो क्यों, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया है इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है, मात्र 1 किलोमीटर, ये बस 10-15 मीटर और बताया, कहाँ है बॉर्डर यार। मैं तो बड़ा खुश हो गया था यार एकदम से, पर है यही आ गया, ये रहा भाई बॉर्डर। मुस्कराइए आप नेपाल में हैं, ये देखो ये पुलिस ये खड़े हैं आपके वाले। भैया यहाँ से पोखरा कितनी दूर होगा, हैं अंदाज़ा नहीं है, तो ये जो भंसार वगैरह बनता है कहाँ बनेगा, आगे थोड़ा आगे जाके। चलो हम तो भैया फ़िलहाल तो वैसे देहरादून चले गए, बरेली से आए हैं फ़िलहाल ना जी। हाँ बैग देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रुको साइड में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, दिखा दे। कैश होगा आपके पास? कैश तो भैया अभी हमने ऐसी है 10,000 के समथिंग। ज़्यादा तो नहीं है ना? हाँ ज़्यादा होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ना 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 वो कराना था ना, उसमें एक्सचेंज कराना था हमने। 10,000 है हाँ, बाकी सामान ऐसी है, कपड़े कुपड़े चले। ठीक ठीक भाई, ये अपना नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से नेपाल स्टार्ट है, ठीक है, और ये कुछ ये हाल है यहाँ पे, देख लो। मेरे हिसाब से तो आज यहीं स्टे करना चाहिए, सीमा शुल्क जांच चौकी नेपाल। ये है भाई नेपाल का बॉर्डर कुछ इस तरीके से, देख लो। मैं वो नहीं देख रहा भंसार वगैरह। भैया ये भंसार वगैरह कहाँ से बनेगा, कहाँ से? अच्छा सामने, ठीक 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 भाई भंसार बनेगा यहाँ से, ये चेक करो, ये है जगह। हाँ यार बस रुके हुए हैं भाई जी, थक गया चलाते आते, थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। अरे आराम सर, कितना? चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पोखरा कितनी दूर पड़ेगा? पोखरा 250 किलोमीटर है भाई। 250, तो यहाँ स्टे करने के लिए जगह वगैरह है? हाँ रुकना हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं, मॉर्निंग में यहाँ
आपका बुद्धा होटल है। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपका एक होटल, ये क्या कहते हैं, कृष्णा गेस्ट हाउस है, और भी काफी होटल हैं। अच्छा आप आगे जाके तो कुछ लेना ही है। हाँ वही है ना, कहीं भी आप जाएं। ठीक ठीक ठीक। 20-25 किलोमीटर के रेंज में तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी थक गए होंगे। आगे होटल मिलेंगे क्या यहाँ से? आगे मत जाइए, आगे का फायदा नहीं ना, नुकसान हो जाएगा आपका। वही मैं बोल रहा हूं। हाँ बात सही कह रहे हैं। रूम लेंगे। ठीक ठीक ना ना सही कह रहे हैं। हम तो यार पूरा सुबह 9 बजे से चले गए, हमारे तो पेन हो बहुत ज्यादा। सही में 8 बजे खुलता है सुबह, मॉर्निंग में 8 बजे आइए। 8 बजे आ जाऊँ फिर भंसार माने, है ना? और ये करेंसी एक्सचेंज वगैरह सब हो जाएगा तो यहाँ पे अभी इंडियन करेंसी चलती होगी ना यहाँ पे? तो चलो चलो ठीक है ठीक है, धन्यवाद भाई। ऐसा है देखो, आगे आगे अब तो फायदा है नहीं कुछ, ठीक है। होटल लेते हैं, नहाते धोते, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा टहलते हैं। कमर कट गया है पूरा, सही बताऊँ तो। स्टे करने के लिए देख लेते हैं कुछ मिल जाए तो, यार यहाँ पे हो सकता है यार। तो मेरे भाई फाइनली हमें नेपाल के बॉर्डर में आ चुके हैं हम। हमने होटल ले लिया, होटल हमें जो रूम मिला मैं दिखाता हूँ आपको उसकी कंडीशन। एक कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। सामने एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या है कि नेपाली रुपीस में तो 1600 रुपये का है, पर इंडियन करेंसी में ये 1000 रुपये का है, क्योंकि यहाँ पे 100 के 160 है। तो उन्होंने नेपाली का अलग बताया, इंडियन करेंसी का अलग बताया। देखो यार ऐसा बहुत खर्चे सुबह चले गए, टाइम पे तौर दिखेगी ना भाई। ये देख लो 8:45 हो गए, पूरे 9:15 आगे नहा धो लेते हैं, फिर खाना भी खाना है, ठीक है। और हम सुबह 9:30 चले गए, तो अब जाके रुके हैं। देख लो पूरा दिन हो गया भाई चलते हुए। और कल सुबह हमें भंसार बनाने के निकलना है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज कराने, फिर हमें निकलना है पोखरा। यहाँ से पोखरा कम से कम 250 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, नहा धो के मिलते हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर कल बात करेंगे नए दिन के साथ, ठीक है। तो भाई अपन है नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। अब नहा धो के आगे शक्ल देख लो एक बार, बहुत बेकार हो रही मुझे पता है, ठीक है। अभी सीन कुछ ऐसा अंधेरा टाइप का है, लगभग पूरा मार्केट ही बंद है। अब ऐसा है कि हम होटल ढूंढ रहे हैं कोई खाने के लिए, ठीक है। अभी ऐसा हो होटल वाले से लड़ा, वो होटल कह रहा हाँ गेस्ट हाउस वाली लड़ाई होगी। मैंने यार चादर तो चेंज कर दे, तब जाके उन्होंने चादर चेंज किए यार। भाई होटल में तो आ गए थे, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ के रेट है नेपाली रुपीस में 250, यानी कि इंडियन में मतलब 140 के समथिंग पड़ जाएगा। दाल ये सब इंडियन में कन्वर्ट कर लेना आप लोग ना। बाकी हमने तो एक काम करा, हमने थाली मंगा ली, क्योंकि ऐसा सावन का टाइम है, इसमें चिकन का आइटम बहुत है भाई, थाली हमें सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो भाई देख लो थाली आ चुकी है अपनी नेपाली थाली, अपना पापड़ है, चावल है, रोटी है, चटनी है, सलाद है और दाल है। देने का अंदाज़ काफ़ी अच्छा लगा भाई, सही बताऊँ खाना जिस तरीके से सर्व किया गया ना, मज़ा आ गया। खा के बताते हैं जैसा भी होगा, दाल देखते हैं भाई, वाकई में टेस्टी यार, ऐसा घर जैसा स्वाद आ रहा भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। अब एक काम करते भाई, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको, ठीक है भाई। लोग खाना पीना हो गया था। यह है अपना नेपाल का मेन बॉर्डर है, ये पूरा मेन बॉर्डर है, ये देख लो, ठीक है। अब एक काम करते, देखो थक गए हम बहुत, खाना वाना खा लिया, मैं सौंफ खा रहा था कोई गलत मतलब समझो, सौंफ खाने का शौक हूँ मैं, मेरे को शौक है सौंफ खाने का। अब ऐसा है सीन, अब भाई जगह था 9 बजे सुबह चले गए, ठीक है, आ जा भाई। ऐसा भाई सुबह 9 बजे चले गए, अब जाके पहुँचे थे, खाना वाना खा लिया, रूट वगैरह पता कर लिए, ठीक है, रास्ता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना रूम 204, ठीक है भाई। देखो 10 बज गए, ठीक है, सीन क्या है, खाना वाना खा लिया, अब रूम खोलते हैं, हम एसी चली छोड़ गए थे, अब रूम ऐसा है बिल्कुल ठंडा हो जाऊँगा। होए 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 होए, इतना सुकून, मैं सीरियसली बताऊँ मज़ा आ गया। ये चेक करो एसी खुला छोड़ गए थे भाई, कसम से कह रहा मज़ा आ गया। अच्छा ठीक है अब मेरी बात सुनो, देखो आज मैं हो गया पूरा दिन चलते हुए, ठीक है, खाना खा लिया, अब थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे भाई मैं यही वीडियो एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा ना, बुलेट से सुपर बाइक तक का सफर आपको ही तय कराना है, याद रखना है चीज़ को, जिसके अंदर जिगरा होता है ना उसके अंदर सब होता है। मेहनत करना मेरा काम है, सपोर्ट करना आपको काम है। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। और कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ,
ठीक है, बाय, लव यू, जय श्री राम।